हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके वीडियो पे काफी ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं और फैंस फॉलोवर भी काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं यदि आपके वीडियो टिकटॉक पे वायरल हो जाता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो वायरल किया था टिकटॉक पे, तो आप जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे वन डे में 3.5 लाख व्यूज आ चुका है, 10,000 के आसपास लाइक्स आ चुका है। मैंने इस वीडियो को कैसे वायरल किया, कैसे किस टाइम वीडियो को अपलोड किया था, किस तरीके से अपलोड किया था, ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। जो वीडियो को मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ चुके हैं। तो सिंपल मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो सिंपल आप वीडियो पर देख सकते हैं, व्यूज की बात किया जाए तो 3480 के व्यूज आ चुका है। लाइक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे 11,200 के आसपास लाइक भी आ चुका है। तो मैंने इस वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया था और कैसे एडिट किया था, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सिंपल जैसे कि मैंने किया क्या हूँ, ओरिजिनल वीडियो को जैसे मैंने एडिट किया था उस वीडियो को, और जो वीडियो मैंने शूट किया था, दोनों वीडियो को एक साथ ज्वाइन कर दिया हूँ। और देख सकते हैं मैंने कुछ टाइटल के ऊपर की तरफ मैंने टेक्स्ट में लिख दिया था, ऐसे वीडियो शूट किया गया है। और इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ चुका है। यदि आप इस तरह के भी करते तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन की जरूरत होगा, काइन मास्टर। तो हम चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन की ओर। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो वीडियो हमने शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कुछ इस तरह से आपको साइड में एडजस्ट कर देना है। इसके बाद इसे डन करते हैं। इसके बाद जो वीडियो हमने एडिट कर रखे हैं, तो सिंपल आप ये वीडियो देख सकते हैं, हमारा जो एडिट किया हुआ गया वीडियो है, तो मैंने एडिट किया गया वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद लेयर पर आते हैं, मीडिया पर आते हैं। इसके बाद जो वीडियो हमने शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को भी सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको साइड में एडजस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों वीडियो में से एक वीडियो को साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे जूम करना है, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, लेयर पे इसको कुछ फुल साइज कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे लाना है और यहाँ पे जो भी चाह रहे टाइपिंग करना हो टाइपिंग कर सकते हैं। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने वीडियो ऐसे शूट किया हूँ। इसके बाद इसे ओके करते हैं। इसके बाद कुछ इस तरह से इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सिम बोल्ट कर देना है। यदि आप कलर चेंज करना चाह रहे टेक्स्ट के, तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद डन करते हैं, इसे आपको फुल साइज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पर आना है और एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भी हो चुका है। इसके सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और देख सकते हैं फाइनली हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमारा वीडियो फाइनली यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से हमें करना क्या है, टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल क्या करना है, मैंने एक वीडियो को लाइक करके रख रखा था, सिंपल आपको क्या करना है, इसके बाद साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूज दिस साउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है और इसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक करना है और आपको वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है और टिकटॉक साउंड को आपको फुल कर देना है क्योंकि मैं यहाँ पे सेम साउंड पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर हैशटैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 4 से 5 हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर लेना है। तो मैं फटाफट हैशटैग यूज कर लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट में यूज कर लिया हूँ वायरल, सेकेंड में यूज कर लिया फॉर यू पेज, थर्ड में यूज कर लिया फॉर यू और फोर्थ नंबर में यूज कर लिया हूँ टिकटॉक इंडिया। इस तरह से 4-5 हैशटैग यूज कर लेना है। इसके बाद वीडियो को पोस्ट कर देना है।
तो मैंने ये वीडियो जो पोस्ट किया था मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वीडियो पोस्ट किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।